वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए। इस चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे सब्सक्राइबर्स की बेहद जरूरत है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए, थैंक यू। कहानी की शुरुआत में हम बैरी नाम के एक मैकेनिक को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली यानी कि अपनी वाइफ एनी और अपनी डॉटर मेगन के साथ ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी आउटबैक में रहता था। बैरी की एक बहन भी थी जो कि मेकअप आर्टिस्ट थी जिसका नाम ब्रुक होता है और वो अपने क्लाइंट का मेकअप कर रही होती है और उसके साथ एक फोटोग्राफर भी होती है। लेकिन अचानक से उसके क्लाइंट की आंखें सफेद होने लग जाती हैं और वो अजीब सा बिहेव करने लगती है और फिर वो एक जॉम्बी बन जाती है और उस फोटोग्राफर पर हमला करने लगती है कि तभी ब्रुक उसे बचाने की कोशिश करती है और तभी जॉम्बी ब्रुक पर भी अटैक कर देती है। ब्रुक उससे बचते हुए ऊपर चढ़ जाती है और फिर वो जॉम्बी उसे भी पकड़ती है। ब्रुक बहुत ज्यादा डरी होती है और एक हुक उठाकर जॉम्बी पर फेंकती है जिससे वो जॉम्बी वहीं पर फंस जाती है और ब्रुक फिर देखती है कि वो फोटोग्राफर भी अब एक जॉम्बी बन चुकी थी, इसलिए वो उसे भी मार देती है। उसके बाद ब्रुक अपने भाई बैरी को कॉल करती है और वो उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत अजीब घटनाएं उसके साथ घट रही हैं और वो उसे लेने के लिए यहाँ पर तुरंत आ जाए। तभी बैरी की बेटी मेगन रूम में आती है और वो बताती है कि किचन में कोई घुस आया है। बैरी जैसे ही किचन में जाता है लेकिन वो आदमी फौरन बैरी पर हमला कर देता है क्योंकि वो एक इन्फेक्टेड था और वो एक जॉम्बी बन चुका था। कि तभी एनी उस आदमी को एक कुल्हाड़ी से मारती है जिससे वो बैरी को छोड़ देता है और बैरी उस कुल्हाड़ी से उसका सर काट देता है। और उसके बाद बैरी अपनी बहन ब्रुक के पास जाने का डिसाइड करता है। वो अपनी बेटी और वाइफ के साथ कार से जा रहा था तब रास्ते में उन्हें बहुत सारे जॉम्बी मिलते हैं लेकिन वो कार की स्पीड को फास्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रुक छुपी हुई थी और वहां दो आर्मी के ऑफिसर्स आते हैं। वो उन जॉम्बीज को मारते हैं और ब्रुक को नीचे बुलाते हैं। ब्रुक सोचती है कि ये लोग उसकी मदद करेंगे इसलिए वो नॉर्मल और रिलैक्स हो जाती है। लेकिन वो लोग उसका ब्लड सैंपल लेते हैं और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद जब सुबह होती है बैरी अपनी फैमिली के साथ कार में ही होता है कि तभी अचानक उसकी बेटी की हालत खराब हो जाती है, वो एक जॉम्बी बन जाती है। तब बैरी कार को रोकता है और अपनी वाइफ के साथ उससे बाहर निकल आता है पर तभी उसकी वाइफ भी वॉमिट करने लगती है क्योंकि अब तक वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। बैरी अपनी फैमिली के लिए बहुत डर जाता है पर तभी एनी कहती है कि उन्हें किसी भी हालत में आगे बढ़ना चाहिए। वो कार में कुछ देर आगे तक तो जाते हैं लेकिन फिर एनी कहती है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है तो बैरी को उसे और उसकी बेटी को मारने के लिए कहती है। बैरी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, वो रोते हुए उसका गले लगता है कि तभी एनी एक जॉम्बी बन जाती है और बैरी पर अटैक करने लगती है पर ना चाहते हुए बैरी को अपनी वाइफ और अपनी बेटी को ब्रूटली मारना पड़ता है। उसके बाद वो खुद भी मरना चाहता था लेकिन गोलियां खत्म हो जाने की वजह से वो खुद को मार नहीं पाता। दूसरी तरफ वो सोल्जर्स ब्रुक को एक रूम में बंद कर देते हैं जहाँ पहले से इन्फेक्टेड लोग होते हैं। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो उन सभी पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। वो डॉक्टर इंजेक्शन की मदद से एक जॉम्बी को ब्लड लेकर ब्रुक के अंदर उसे इंजेक्ट कर देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में बैरी को देखते हैं जो कि अकेला और दुखी होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो बैरी को गन पॉइंट पर ले लेता है लेकिन वो बैरी को नॉर्मल देखकर कुछ नहीं करता। लेकिन बैरी अपनी फैमिली के मरने से इतना ज्यादा दुखी हो गया था कि वो खुद उस गन से खुद को मारने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर कुछ जॉम्बीज आ जाते हैं जिन्हें बैरी गन से उड़ा देता है। वो आदमी बैरी से कहता है कि उनकी मौत हो सकती है लेकिन बैरी नहीं मानता। तब वो आदमी बैरी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। फिर बैरी की आंख खुलते ही वो खुद को एक ट्रक में देखता है और लड़ झगड़ कर ट्रक को रुकवाता है। वो आदमी जैसे तैसे करके बैरी को समझाता है जिस पर बैरी आदमी को अपनी बहन ब्रुक के पास चलने को कहता है। अब वो दोनों साथ में जाने के लिए निकल जाते हैं। सडनली उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है, तभी जॉम्बीज आ जाते हैं। बैरी उनसे फाइट करके उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी जंगल की तरफ से उन्हें गोली चलने की आवाज आती है। वो दोनों उस आवाज की तरफ जाते हैं कि तभी डिलन नाम का एक आदमी उन पर गोली चलाता है जिससे बैरी का दोस्त वो मर जाता है। तब बैरी उससे कहता है कि वो कोई जॉम्बी नहीं था बल्कि वो तो एक जिंदा इंसान था जिसे तुमने मार दिया, जिस पर वो आदमी डिलन उससे माफी मांगता है। तभी वहाँ पर जॉम्बीज का एक और ग्रुप आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है और तब वो दोनों बहुत मुश्किल से उन्हें मार डालते हैं। दूसरी तरफ लैब में ब्रुक को होश आ जाता है और वो डॉक्टर भी वहाँ पर होता है। वहाँ पर एक आदमी के गले टंगी हुई लाइट जलती है जिसे देखकर वो डॉक्टर उसे मार देता है और फिर से वो जॉम्बी का ब्लड ब्रुक की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है और साथ ही साथ बताता है कि वो ऐसा 5 बार और करेगा जिसके बाद वो एक जॉम्बी बन जाएगी। दूसरी तरफ बैरी और डिलन एक गैराज में पहुंचते हैं जहाँ जॉम्बीज की आर्मी होती है। तब वहाँ ऊपर की तरफ उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिससे डिलन उससे अंदर जाने के बारे में पूछता है। वो कहता है कि जॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाओ और तुरंत भागकर सीधा अंदर आ जाओ। वो दोनों ऐसा ही करते हैं और भागकर अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो दो और सर्वाइवर्स से मिलते हैं जिनका नाम होता है फ्रैंक और मैकोलिन।
बैरी उनसे कहता है कि वो बाहर खड़े उन ट्रक्स का इस्तेमाल करके वहां से निकल सकते हैं। तभी फ्रैंक बताता है कि इन्फेक्शन की वजह से कोई भी फ्यूल काम नहीं कर रहा है। तब फ्रैंक उन्हें ज़ॉम्बीज बने अपने दोस्तों को दिखाता है जो फ्रीजर में होता है, जिसे उन्होंने बंद करके रखा होता है। फिर वो सभी स्मोकिंग करने लगते हैं। तभी मैकोलेन अपनी सिगरेट को फेंकता है जो ज़ॉम्बीज के ब्लड में गिर जाती है और उसकी वजह से वहां पे आग भी लग जाती है। इससे वो लोग समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज ब्लड फ्लेमेबल है, यानी कि वो जल सकता है और वो लोग उससे फ्यूल बना सकते हैं। फिर वो फ्रीजर से उस ज़ॉम्बी को निकालते हैं और उसके ब्लड से मोटर चलाने की कोशिश करते हैं और वो मोटर चल भी जाती है। अब उन्हें गाड़ी चाहिए जो गैराज के बाहर खड़ी होती है। फिर वो सब फुल पैक होकर बाहर जाते हैं और उनके बाहर जाते ही ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं और वो लोग सब ज़ॉम्बीज को मारते हुए गाड़ी ले आते हैं। इसी बीच में मैकोलेन को एक ज़ॉम्बी काट लेता है जिसकी वजह से वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर वो लोग उसे भी पकड़कर काबू में करते हैं और उसके ब्लड से फ्यूल बनाने लगते हैं और थोड़ी देर में कार को लेकर बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रुक को पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकती है। तभी वहां मिलिट्री के लोग एक ज़ॉम्बी को लेकर आते हैं और ब्रुक उस ज़ॉम्बी पर कंट्रोल कर लेती है और उससे उस सोल्जर पर अटैक करवाती है। फिर वो सोल्जर किसी तरह ज़ॉम्बी को पकड़कर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच ब्रुक उस ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर एक चाकू को चुरा लेती है। वो सोल्जर्स उस ज़ॉम्बी को बांधकर चले जाते हैं। उसके बाद बैरी, डिलन और फ्रैंक गाड़ी से जा रहे होते हैं। उनकी गाड़ी रुक जाती है। तभी वो एक ज़ॉम्बी को पकड़ते हैं और उसके ब्लड से फ्यूल बनाकर आगे बढ़ते हैं। रात में उन्हें पता चलता है कि उन ज़ॉम्बीज का ब्लड रात में काम नहीं करता, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी रुक जाती है और स्टार्ट ही नहीं होती, जिससे उन्हें रात वहीं पर अपनी गाड़ी में ही गुजारनी पड़ती है। फिर फ्रैंक उन्हें बताता है कि बाइबल में लिखा है कि उन तारों के बारे में जिन्हें वर्मवुड कहते हैं, जो बीमारी फैलाएंगे, और ये वही बीमारी है। फिर डिलन उन्हें बताता है कि एक दिन वो अपने भाइयों के साथ जंगल में गया था जहाँ रात में वो लोग रुके रहे। तभी उन्हें आसमान में बहुत सारे तारे गिरते नजर आए थे और अगली सुबह उसके भाई ज़ॉम्बीज बन चुके थे और फिर मजबूरी में उसे अपने भाइयों को शूट करना पड़ा। तभी बैरी उसे एक नाइटमेयर से जगाता है और एक ज़ॉम्बी को शूट कर देता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी के हाथों में आग लग जाती है और वो ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी को टच कर देता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी जलने लगती है। फिर डिलन बाहर जाकर उन ज़ॉम्बीज को मारते हुए आग को बुझा देता है। इसी दौरान ज़ॉम्बी फ्रैंक पर अटैक कर देता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, इसलिए वो बैरी से अपने ऊपर गोली चलाने को कहता है। तब कुछ सोचते हुए बैरी उसे गोली मार देता है। दूसरी तरफ ब्रुक उस ज़ॉम्बी का माइंड कंट्रोल करते हुए अपने हाथ की रस्सी को चाकू से कटवा देती है। जब बैरी और डिलन आगे बढ़ रहे होते हैं तब उनके सामने एक मिलिट्री ट्रक आ जाता है। उसमें से दो सोल्जर्स निकल आते हैं और उनसे कहते हैं कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वो शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और वह जाने से कोई फायदा नहीं है। तब बैरी उन सोल्जर्स को अपनी बहन के बारे में बताता है। वो सोल्जर्स कहते हैं कि वहाँ के सभी नॉर्मल लोगों को मिलिट्री द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया है और वो भी उनके साथ आए। फिर बैरी उनकी बात मान लेता है और उनके पीछे जाता है। तब बैरी डिलन से कहता है कि उसे उन लोगों पर शक है और उसे लोगों पर भरोसा भी नहीं है। दूसरी तरफ ब्रुक उस ज़ॉम्बी से डॉक्टर पर अटैक करवाती है। तभी फाइट में डॉक्टर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। फिर वो डॉक्टर गुस्से में ब्रुक के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रुक वहां पर एक और ज़ॉम्बी पर कंट्रोल करते हुए उस डॉक्टर पर अटैक करवा देती है। फिर वो डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो अपनी इन्फेक्टेड फिंगर को देकर बहुत डर जाता है, इसलिए वो अपनी फिंगर को एक आरी से काट देता है जिससे वो इन्फेक्शन ना फैले। फिर वो ब्रुक को मारने जाता है। तभी वो अचानक से ज़ॉम्बी बन जाता है, जिस पर ब्रुक अब उसे भी कंट्रोल कर लेती है और उसी से अपने हाथ खुलवा कर उसके ही गन से उसे शूट कर देती है और वो इविल डॉक्टर फाइनली मर जाता है। इसके बाद वो बाहर जाती है और वो देखती है कि वो एक ट्रक में है, उसके पीछे उसका भाई है, यानी कि वो लोग उसी ट्रक के अंदर सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बैरी अपनी बहन को जिंदा देख बहुत खुश होता है और उसे गाड़ी में बुला लेता है, लेकिन तभी कुछ सोल्जर उन पर गोलियां चलाने लगते हैं और वो गाड़ी की स्पीड को तेज कर वहां से भागते हैं, लेकिन आगे जाकर उनकी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि उनका एक ज़ॉम्बी मर गया था और उनकी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल कम पड़ रहा था। और जब वो ये बात ब्रुक को बताते हैं तो ब्रुक एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके गाड़ी में बैठाती है। बैरी और डिलन ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ब्रुक ऐसा कैसे कर पा रही है। तभी वहां सोल्जर्स आकर बैरी को शूट कर देते हैं और वो लोग अपनी जान बचा के वहां से भागने लगते हैं। तभी ब्रुक को अपनी तबीयत खराब सी लगने लगती है। तब वो लोग गाड़ी रोककर जंगल में जाते हैं जहाँ ब्रुक वॉमिट कर रही होती है और अपने भाई से कहती है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाली है, इसलिए बैरी उसे मार दे। तब बैरी उसे गले लगाता है और कहता है कि वो पहले ही अपनी वाइफ और अपनी बेटी को खो चुका है और अब वो अपनी बहन को नहीं खोना चाहता। तभी वो सोल्जर्स वहां आ जाते हैं और वो उन्हें बंदी बनाकर मारने वाले होते हैं। पहले वो ब्रुक को मारने के लिए लाते हैं। बैरी डिलन से माचिस मांगता है ताकि वो कार को ब्लास्ट करके उनका ध्यान भटका सके, लेकिन माचिस गाड़ी के नीचे गिर जाती है और बैरी माचिस नहीं उठा पाता। और फिर डिलन बैरी को बचाने के लिए ज़ॉम्बी से खुद पर अटैक करवा लेता है और फाइनली वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है।
वो लोग ब्रोक को मारने वाले होते हैं कि तभी ब्रोक डिलन पर कंट्रोल करते हुए उन सोल्जर पर उससे शूट करवा देती है, जिसकी वजह से वो सारे सोल्जर मर जाते हैं। लेकिन उनमें से एक बचा हुआ सोल्जर डिलन के सर पर शूट करके उसे मार देता है। ब्रोक वहां पे सभी सोल्जर्स को बुलाती है, तब वो सोल्जर ब्रोक को भी शूट करके मार देता है। अपनी बहन को मरता हुआ देखकर बैरी को बहुत गुस्सा आता है और तब बैरी और सोल्जर में लड़ाई होती है। वो सोल्जर एक जोम्बी पर गोली चलाता है, जिसकी वजह से उसके फेस पर जोम्बी के खून के छींटे पड़ जाते हैं। फिर वो बैरी को मारने जाता है, लेकिन बैरी को पता होता है कि जोम्बी का खून फ्लेमेबल होता है, यानी कि उसमें आग लग सकती है। इसलिए वो माचिस को जलाकर सोल्जर के फेस पर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका मुंह जल जाता है। तभी बैरी देखता है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और ब्रुक सभी जोम्बी से उस सोल्जर पर अटैक करवा देती है और वो सोल्जर फाइनली तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद ब्रुक और बैरी पूरी मिलिट्री को मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो लोग मासूम लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तब वो दोनों सोल्जर के ट्रक को रोकते हैं और जोम्बी से उस ट्रक पर अटैक करवाते हैं। और दोस्तों, इसी ओपन एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।